नमस्कार फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। फ्रेंड्स, एकता शक्ति है, कामयाबी अभी तक नहीं मिली है क्योंकि हमारी ताकत पर्याप्त नहीं है। हम 63.4 लाख कभी समूह को भंग करके एकजुट होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएस 95 की सभी यूनियन एनएससी के केवल एक झंडे के तहत कमांडर ने आगे की कार्रवाई के लिए हमारी मांग बिल को गजट में ले जाने के लिए पत्र लिखा। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को जनहित याचिका दाखिल करने से काम नहीं आएगा क्योंकि न्यूनतम पेंशन बढ़ाना सरकार के हाथ में है और मुख्य न्यायाधीश सरकार को ऐसे आदेश नहीं दे पाएंगी। हाल ही में कमांडर अशोक राउत साहब ने सरकार से अनुरोध किया है कि अपना डिमांड बिल गजट में डाल दें, अगले लोकसभा सत्र तक इंतजार करना और अपने सभी 63.4 लाख सदस्यों को एकजुट करने की कोशिश करना हमारे हाथ में है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी।